बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि एक प्रोटोकॉल है और उस लिहाज से वो मेरी लिखी हुई स्पीच थी राना इकराम के पास, वो इधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लाखों करोड़ों दुरूद हजूर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर। मेरे इंतहाई काबिले एहतराम सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब, ग्रुप लीडर फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स मियां मोहम्मद अदरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकब मजीद साहब और गुजरात चैम्बर के प्रेसिडेंट आए हुए हैं सुबहान भट्ट साहब, मेरे साबक सदूर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेम्बर्स और मेम्बरान फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं आज ऐवाने सदर में सदर पाकिस्तान की मेज़बानी में आज इस प्रोग्राम में फैसलाबाद की तमाम बिजनेस कम्युनिटी के साथ हाज़िर हूँ। तो मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी को ये एजाज़ बख्शा कि आज हम सब लोग आपके पास यहां हाज़िर हुए। और इस सालाना अचीवमेंट अवार्ड की जो आज आपके हाथों से दोस्त अवार्ड हासिल करेंगे, तो ये मुद्दतों याद रहेगा कि हमने एक ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसी शख्सियत से अवार्ड हासिल किए थे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शफीक मुशफिक, और मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह हम देखते हैं आप जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये भी आपका एक खासा है कि आप अवाम के साथ जिस तरह टच रहते हैं। फैसलाबाद चैम्बर सर 73 में बना और अब इसके पास मोर देन 7000 इसके मेंबर्स हैं, 6000 के करीब इसके एसोसिएट क्लास से और 1000 जो हैं वो कॉरपोरेट क्लास से इनका तल्लक है। 1.5 करोड़ की आबादी को ये इसकी नुमाइंदगी करता है ये चैम्बर, तमाम जो छोटे छोटे अजला हैं उनके बाशमूल।
और फैसलाबाद की तरक्की में इसका एक भरपूर किरदार और रोल है। और इसके साथ साथ मैं सर आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल में 60% और पाकिस्तान की टोटल जो हमारी है उसमें जीडीपी में 20% शेयर है फैसलाबाद शहर का। यहाँ बैठे हुए ये आपके सामने और आपके साथ मियां दरीस साहब, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में रोल प्ले किया और फैसलाबाद की तरक्की में रोल प्ले किया और सबसे बड़ा हब है जो लोगों को रोजगार भी देता है। हमारी लाइजन जो है वो इंतज़ामिया और पॉलिटिकल जो हमारी इस वक्त रजीम है उसके साथ शानदार रही है, जिसकी बेहतरीन मिसाल मियां असलम इकबाल साहब की, यहाँ इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी बता रही है। दूसरा सर, मैं चूँकि ये मौके जो है शायद ज़िंदगी में कम आते हैं इस तरह बात करने की, आपको जिस तरह जब आपकी हुकूमत आई, जिस तरह के मसाइल आपके सामने थे और जिस तरह आपने और प्राइम मिनिस्टर ने इसको आगे लेके चले हैं, तो बहुत एक मुश्किल मरहला नज़र आ रहा था कि आप इसको किस तरह अचीव करेंगे। सर ये कहने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि पिछले 30-35 साल से मैं ट्रेड पॉलिटिक्स करता हूँ और 16 साल से मैं फैसलाबाद चैम्बर में मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज चेयरमैन SVP और मुख्तलिफ रहा हूँ पोस्टों पे। सर इस मैंने जो एक साल में देखा कि जितनी आसान तरीके से रसाई थी प्राइम मिनिस्टर से लेके आम लोकल इंतजामिया तक, शायद ताजरों ने कभी ये देखी हो। किसी को फ़ोन किया फौरी तौर पे वो मिले हैं, किसी को कोई मसला बताया तो वो फौरी हल हुआ है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ये एतराफ़ करता हूँ कि आज जब आपके सामने आया हूँ तो कोई मसला ऐसा नहीं है जिसे मैं पेंडिंग समझूँ कि ये एक चीज़ थी जो हमने कही जो मानी नहीं गई। तो मैं आपका और आपकी हुकूमत का इंतहाई मशकूर हूँ कि ये पहली बार है कि ताजरों को इस तरह आप तक रसाई भी मिली है और मसाइल भी हल हुए हैं। बाकी चूंकि ये कंटिन्यूटी रहती है, लोगों के मसाइल, अदारों के मसाइल, ये साथ साथ चलते हैं, लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी जो है और आपके प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसने नीचे तक ये अमल, मैं गवर्नमेंट ऑफिशल्स की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियंस की कर रहा हूँ, आपके सर जुम्मेदारान की कर रहा हूँ कि जिस तरह हमारी रसाई रही है। मेरे साथ ये व्हाट्सएप भी प्रेसिडेंट चैम्बर हैं गुजरात के, तो हमने इस साल जो प्रेसिडेंट चैम्बर्स को जिस तरह पजीराई मिली है शायद कभी माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर हमारे जिस तरह ये कोरोना आया, कोविड में जिस तरह आपने इसका मुकाबला किया और जिसकी मिसाल अब दुनिया देने लग गई है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था वो इस तरह का था कि जिसको अब हर मुल्क जो है उसे अप्लाई करना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मौके हुए पाकिस्तान की एक तस्वीर पेश करते हैं। अभी उन्होंने अपना अक्वामे मुत्तहिदा में जो तकरीर की अपनी, वो भी देखने के लायक हो, सुनने के, कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, मुसलमानों का मसला हो। तो मैं आपकी इस हुकूमत की जुर्रत और बहादुरी को भी सलाम पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। सर हमारे फैसलाबाद के लोगों ने ड्राई पोर्ट अपनी मदद आपके तहत बनाई, उसके जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें फैसलाबाद के सनतकारों का और ताजरों का खून पसीना भी शामिल है, तो इसे भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसे मुख्तसर करते हुए, चूँकि ये सारी चीज़ें जो मैं कहूँगा जी GDP में ये होना चाहिए, फलां चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं पहले भी। सर हमारे पिछले 4 साल से जो हम कोशिश कर रहे हैं और मियां असलम इकबाल साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं, लास्ट ईयर भी जब आप तशरीफ़ लाए थे, एक्सपो सेंटर एक ऐसा हमारा रुका हुआ प्रोजेक्ट है कि जिस पे आपकी मुझे
दस्ते शफकत भी चाहिए और आपकी थोड़ी सी तवज्जो अगर उसमें मिल जाए प्रेसिडेंट साहब, तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में एक बड़ा जो बिजनेस हब है एक्सपो सेंटर की बहुत ज़रूरत है। वो मैं इसलिए कहूँगा कि 11,000 एकड़ पे सर फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल जो स्टेट बनी है और अभी अलामा इकबाल की इनॉग्रेशन हुई है, उसके बाद 3,000 एकड़ की और एक्सटेंशन होने जा रही है और मियाँ असलम इकबाल साहब चूँकि उसको हेड भी करते हैं तो ये भी बताएंगे अपनी स्पीच में कि ये हमें कितना ज़रूरी है अगर वो एक्सपो सेंटर हम, और उसके लिए अवेलेबल फंड्स हैं आपके पास, उसके पास फंड्स कहीं से लेके नहीं जाने जी, लेने नहीं पड़ने, हमारे ऑलरेडी फंड्स जो हैं एक्सपोर्टर्स के आपके पास पड़े हुए हैं। दूसरा सर, ब्रांडिंग में हमारे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो पूरी दुनिया के जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्हें सप्लाई देते हैं, सप्लाई चेन है उनकी, तो उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए भी वहाँ पे आउटलेट और ये एक्सपो सेंटर बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर, हमारे ये में हमारा एयरपोर्ट है सर, वहाँ पे बोइंग तैयारा नहीं उतर सकता, 1.5 करोड़ आबादी और उस पर स्ट्रिप जो है इतनी छोटी है, इंटरनेशनल उसे करवाने में फैसलाबाद चैम्बर का बड़ा रोल है। हमारे जो प्रेसिडेंट जो भी आता है वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ शहर की तर्जमानी भी पूरी करता है, जिस तरह आज मैं आपके सामने ये शहर के मसाइल बयान कर रहा हूँ। तो सर एयरपोर्ट के लिए वो भी आपकी तवज्जो मुझे चाहिए, आप सिंबल हैं पाकिस्तान की इस यूनिटी का, तो वो एक खित्ता ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग लाहौर तक का सफ़र करते हैं, 1.5 करोड़ आबादी जंग से चलते हैं और यहाँ आना और जाना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है सर। सर हमारे एरिया में 2 मोटरवे गुजरती हैं हमारे दाएं और बाएं से, और उनको आपस में लिंक करना बड़ा ज़रूरी है सर, उसके लिए भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर इस मसले को आप टिकअप करें तो ये भी वो है कि जिससे हमारी उस पूरी आबादी को और ख़ास करके जो 11,000 एकड़ पे हमने इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई है, आप देखेंगे कि उसकी अफादियत दुगनी चौगनी हो जाएगी। फैसलाबाद में सर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ फैसलाबाद के लिए ज़रूर किया, तो सर आज मैं आपसे फैसलाबाद के लिए IT यूनिवर्सिटी का मुतालबा करता हूँ कि उसमें आपकी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरत है, जिस तरह आगे आगे IT की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और सारा सिस्टम IT पे शिफ्ट होता जा रहा है, तो सर उसके लिए काइंड आप मोहब्बत फरमाएं जी। सर एक पिछले 35 साल से हमारा शहर, हमारा डिवीज़न, हमारा पूरा इलाका हफ्ते में 2 दिन हड़ताल होती है सर हाई कोर्ट बेंच के लिए, आपको तालियां बताएंगी इनकी कितना ज़रूरी है। सर इंसाफ, आपका तो स्लोगन ही इंसाफ है सर, तो आप लास्ट ईयर जब फैसलाबाद तशरीफ लाए थे और मेरे बड़े भाई ज़िया आलमदार प्रेसिडेंट थे, तो तब भी सर हमने आपसे गुजारिश की थी कि ये फैसलाबाद का दरीना मसला है और इसे सर आपकी खुसूसी, ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये इंसाफ जो है जिसके लिए लोग कहाँ कहाँ से सुबह उठ के लाहौर आते हैं और अड़जर्न हो जाती है जब उनकी तारीख पड़ जाती है, तो फिर आप देखें तारीख पे तारीख जो है वो लोगों के लिए कितने मसाइल खड़े करती है, तो ये मुझे, मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इस पे भी अपना रोल प्ले करेंगे कि ताकि इंसाफ लोगों को उनकी दहलीज पे मिल सके। सर मेरा एक आपसे और भी गुजारिश है, फैसलाबाद इतना बड़ा शहर, आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान हैं लेकिन सर उससे पहले आप तहरीक इंसाफ के भी एक बड़े लीडर हैं, मैं ये बरमला आपसे कहूँगा, प्रेसिडेंट साहब आपसे ज़्यादा कौन समझता है कि पॉलिटिकल जो ज़रूरतें हैं वो किस तरह की होती हैं। सर हमारे शहर ने आपको पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गढ़ से सीटें दी, ये मैं बिल्कुल कहूँगा आपसे, सर वहाँ कोई मिनिस्टर नहीं आपने दिया हमें, और टेक्सटाइल के 2 मिनिस्टर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी, तो कम से कम हमें आप टेक्सटाइल मिनिस्टर दें। इसके साथ सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा एंड पे जाने से पहले कि बिजनेस कम्युनिटी का भी कोई अपने पास पोर्शन रखें, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारी पॉलिसीज कामयाब क्यों नहीं होती,
कि हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते सर, आप इन इन लोगों से, ये जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपके दाएं और बाएं बैठे हैं सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने यकीन माने कि छोटी छोटी दुकानों से कारोबार शुरू किया, छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए और अंपायर्स खड़े किए, और पाकिस्तान की तरक्की में इनका रोल है। और ये वो लोग हैं, ये वो लोग बैठे हुए हैं आपके सामने जो पाकिस्तान से फ्लाई नहीं करना चाहते, पाकिस्तान से कहीं जाना नहीं चाहते। ये अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगा के बैठे हैं, ये अपने घर इनके पाकिस्तान में हैं, इनके पास ड्यूइन नेशनलिटी नहीं है सर। तो ये लोग काबिले तहसीन हैं। तो जब आप किसी फोरम पे या आप जो बड़ी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं तो सर वेटेज दें, इनको भी अपने साथ मिलाएं और फिर देखें तरक्की का सफर किस तरह आगे जाता है। तो ये पाकिस्तान लिखी हुई तकरीर मेरी बड़ी लंबी थी, तो मैंने अपने दिल से जो मेरी बात मैं चाहता था कि मैं आपसे कर सकूं सर, वो मैं गुजारिशात की हैं। तो मैं आपका एक बार फिर अपनी तमाम बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। चूंकि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, तो सर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, चूंकि प्रोटोकॉल है आपका, मेरे ये दोस्त आए हैं तो मैं चाहूँगा कि इनके साथ आपका ग्रुप फोटो भी सबका बनेगा। तो ये आपने खसूसी अलाउ करना है, 45 साल में पहली बार फैसलाबाद चैम्बर यहाँ ऐवान-ए-सदर तशरीफ लाया। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।